चलिए रेडी। तो यहां पर अगला टॉपिक है रेसिडेंशियल स्टेटस। अभी रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है पहले तो आपको यही समझ, रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब क्या है, रेसिडेंशियल स्टेटस का यूज क्या है पहले आपको यह समझना होगा। असल में ना तो भाइयों और बहनों आज का छोटा सा टॉपिक है रेसिडेंशियल स्टेटस। अब सब टॉपिक छोटा छोटा ही है, खाली एक तो आपका सैलरी बढ़ा है, बस सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब क्या होता है, तो भाई और बहनों पहले तो आपको दो वर्ड समझना होगा, एक होता है सिटीजनशिप और एक होता है रेसिडेंशियल स्टेटस। पहले ये दोनों वर्ड में डिफरेंस समझिए, सिटीजनशिप क्या है और रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। सो सिटीजनशिप का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स आपका जिस जगह पर बर्थ हो, समझे। सिटीजनशिप आपको मिलता है नॉर्मली बाय बर्थ, नॉर्मली बाय बर्थ, कुछ कुछ कंट्री में बाद में भी दे दिया जाता है, पर नॉर्मली सिटीजनशिप किसको बोलते हैं जिसके पास उस कंट्री का डोमिसाइल होता है। क्या होता है बाबू? डोमिसाइल। डोमिसाइल का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पापा के पापा के पापा के पापा, मतलब आपका चार जनरेशन कहां रहता था, सोच के देखिए, जहां रहते थे वही आपका सिटीजनशिप। तो इंडिया में अच्छा चीज क्या, इंडिया में ड्यूअल सिटीजनशिप वाला कोई सीन नहीं, इंडिया में एक ही सिटीजनशिप है कि हम लोग इंडियन सिटीजन है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है। फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, जैसे स्टेट का सिटीजनशिप अलग है और कंट्री का सिटीजनशिप अलग है, हम लोग कंट्री में एक ही सिटीजनशिप, हम लोग ऑल ओवर, हम लोग कहां के बिलोंग करते हैं, लोग इंडिया के, डज नॉट मैटर कि बिहार से हो, बंगाल से हो, गुजरात से हो, राजस्थान से हो, कहां से हो, मैटर नहीं करता। आप कहां के हो, इंडिया के हो, कहां रहते हो, इंडिया में रहते हो, कहां से बिलोंग करते हो, इंडिया से बिलोंग करते हो। तो हम लोग का पहला पहचान क्या बताइए कि हम लोग इंडियन है। बट सिटीजनशिप क्या होता है, सिटीजनशिप इज अक्वायर्ड बाय बर्थ, सिटीजनशिप डिपेंड्स अपॉन डोमिसाइल, सिटीजनशिप डिपेंड करता है डोमिसाइल पे। डोमिसाइल मतलब एक आदमी का पापा का पापा का पापा का पापा कहां रहता था, चार जनरेशन, उसको बोलते डोमिसाइल। इसीलिए आप देखोगे ना गवर्नमेंट कोई जॉब देने का अप्लाई करने जाओगे, जैसे बंगाल में कोई वैकेंसी निकलता है और आप अप्लाई करिएगा तो वहां पर डोमिसाइल मांगता है। क्यों मांगता है बताइए, क्योंकि क्या है ना, डोमिसाइल इसलिए मांगता है क्योंकि कुछ कुछ जॉब ऐसा है जहां पे वेस्ट बंगाल में बंगाल के लोगों को ही प्रिफरेंस मिलेगा। यह एक्चुअली बहुत सारे स्टेट में ऐसा है कि बिहार में जाइएगा, बंगाल में जाइएगा, या फिर गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, वो लोग क्या करता है अपना स्टेट का आदमी को ज्यादा प्रिफरेंस देता है। तो इसीलिए ये चेक करने के लिए कि बंदा बंगाल का है कि नहीं, बंगाल का होने के लिए आपको बंगाली होना जरूरी नहीं है, बात समझिए, बंगाल का होने के लिए आपको बंगाली होना होगा ऐसा जरूरी नहीं, आपको आपका रेसिडेंशियल स्टेटस आपका सिटीजनशिप चेक करता है, बात समझे ना। जैसे हम लोग क्या मान लीजिए, हम लोग बिहार से आए हैं तो हम लोग बंगाली तो नहीं हो गए, बात समझे, लेकिन बंगाल में रहते हैं तो बंगाली हो गए। बात देखिए कितना जबरदस्त सीन है कि अगर आप बिहार से आए हैं तो आप बंगाली नहीं, लेकिन बंगाल में रहते हैं तो आप बंगाली, क्योंकि हम लोग का सोच, हम लोग का विचार, हम लोग का आइडियोलॉजी पूरा बंगाली कल्चर से मैच करता है। यहां पर सीन क्या हो गया बताइए, यहां पर सीन यही हो गया, सिटीजनशिप डोमिसाइल पे डिपेंड करता है, रेसिडेंशियल स्टेटस नंबर ऑफ स्टेट पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्टेट में कौन सा जगह पर कितना दिन रहते हो। तो नंबर ऑफ या पीरियड ऑफ स्टेट पे डिपेंड क्या करता है, वो रेसिडेंशियल स्टेटस। सिटीजनशिप कहां पे डिपेंड करता है बताइए, डोमिसाइल, डोमिसाइल किस पे, डोमिसाइल, डोमिसाइल मतलब समझिए ना आपके पापा के पापा के पापा के पापा, चार बैक चार, ये एटलीस्ट उतना कहां से बिलोंग करते हैं आप सोचो। अगर बंगाल से है तो बंगाल का डोमिसाइल है आप, बिहार से है तो बिहार का डोमिसाइल है आप, राजस्थान से है तो राजस्थान का डोमिसाइल है आप, गुजरात से हो तो गुजरात का डोमिसाइल हो आप, झारखंड से हो तो झारखंड का डोमिसाइल हो आप। लेकिन हम लोग सिटीजन भी इंडिया का है और रेसिडेंशियल स्टेटस भी इंडिया है हम लोग का, क्योंकि हम लोग इंडिया से बाहर कहीं गए नहीं, बात समझे ना। और अब देखिए आप लोग जाओगे तो जाओगे, हम तो नहीं गए और लग रहा जाएंगे भी नहीं, अब कब जाएंगे, उम्र होगी आप, बात समझे ना। तो यहां पर पहले आप एक एक करके आप पॉइंट्स लिखाते लिखिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चले रेडी, चले क्या बोले, लिखिए सिटीजनशिप सिटीजनशिप डिपेंड्स अपॉन सिटीजनशिप डिपेंड्स अपॉन क्या, डोमिसाइल, एक्सीलेंट, ब्रिलियंट हो यार, डोमिसाइल, बट रेसिडेंशियल स्टेटस
बट रेसिडेंशियल स्टेटस डिपेंड्स ऑन residential status depends on period of stay period of क्या बाबू stay. देखिए एक चीज डिपेंड करता है आपका पीरियड ऑफ स्टे पे और एक चीज डिपेंड करता है आपका बर्थ पे या ओरिजिन पे या डोमिसाइल. का मतलब होता है आपका पापा कहां रहते थे बता दीजिए. ऐसे ही डोमिसाइल चेक होता है कि आप कहां के ओरिजिन हो, किस जगह से बिलोंग करते हो. आपका असलियत अभी पता चल जाएगा. देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो वेस्ट बंगाल में रहते हैं, वो लोग बंगालीज नहीं है लेकिन वो लोग बंगाल का डोमिसाइल है. बात को समझिए. देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं बंगालीज नहीं है लेकिन उनके वेस्ट बंगाल मतलब क्या बंगालीज मतलब वेस्ट बंगाल मतलब बंगालीज. लेकिन देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो बंगालीज नहीं है इन बंगाल का डोमिसाइल. एंड देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो लोग बंगाल में रहते हैं बंगालीज भी है लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जो डोमिसाइल नहीं. बात समझे. ऐसा नहीं कि बंगाल में ही सिर्फ बंगालीज रहते, बिहार में भी बंगालीज है बहुत सारे. बात समझे ना. लेकिन क्या होता है आप देखो इंटरेस्टिंग है. जैसे बिहार में जो बंगालीज रहते हैं उन लोगों का लैंग्वेज जाइएगा आप तो लोग लैंग्वेज बिहारी लैंग्वेज बोलते हो. लोग बिहारी लैंग्वेज बोलते हैं. आपको पता ही नहीं चलेगा कि लोग बंगालीज है बट आप सरनेम जब देखते हो, आप टाइटल देखते हो, जब उन लोगों का डोमिसाइल चेक करते हो तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये पर्सन बिलोंग्स टू वेस्ट बंगाल. समझे ना. तो सीन क्या था. अच्छा पाकिस्तान में ऐसा देखो, पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, पाकिस्तान में तो लोग ऐसा तो नहीं हिंदी नहीं बोलते. पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो है वो लोग हिंदुस्तानी भी जो लोग है वो लोग भी वहां का ही लैंग्वेज बोलते. तो ये क्या होता है ना, लैंग्वेज बिहेवियर आपका बात व्यवहार ये सब आप कल्चर से अडॉप्ट करते हो. सबसे ऊपर होता है कल्चर. आप कल्चर जिस कल्चर में रहते हो उस कल्चर में अडॉप्ट कर जाते हो. इंडिया के बहुत सारे लोग दुबई में रहते हैं, इसका मतलब वो इंडियन जरूर है लेकिन वो दुबई का कल्चर में अपने आप को रंग लिया. अब उसका बात व्यवहार सोच लैंग्वेज का टोन सब क्या है दुबई वाला हो जाए. तो क्या है रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों चेक किया जाता है. रेसिडेंशियल स्टेटस इज चेक टू अंडरस्टैंड whether द टैक्स इज पेबल और नॉट. रेसिडेंशियल स्टेटस इसलिए हम देखते हैं कि वो आदमी रेसिडेंट है कि नहीं, क्योंकि रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर टैक्सेबिलिटी डिपेंड करता है. टैक्सेबिलिटी मतलब टैक्स होबे कि होबे ना, टैक्स दोगे कि नहीं दोगे, टैक्स देना होगा कि नहीं देना होगा. समझ रहे हो ना. चलिए तो कितना पॉइंट लिखे, क्या लिखे बताओ, क्या लिखे बोलो. पॉइंट नंबर टू लिखिए, रेसिडेंशियल स्टेटस डिपेंड्स ऑन number of stay. नंबर ऑफ क्या बाबू स्टे. रेसिडेंशियल स्टेटस किस पे डिपेंड करता है बताइए. नंबर ऑफ स्टे पे, कहां रहते हो नहीं रहते उसके ऊपर. अब भाई रेडी. हम लोग क्या किए बुक में, जो जो कंपलसरी थ्योरी है वही दिए, जो ऑप्शनल थ्योरी है उसको हम लोग जो चैप्टर ये सब जो थ्योरी है चैप्टर का थ्योरी है, मतलब चैप्टर समझने के लिए जो की पॉइंट उसको उन लैंग्वेज में लिखाएंगे इसीलिए. अच्छा रेसिडेंशियल स्टेटस का बात टैक्स में सेक्शन 6 में बोला गया, याद रखो. रेसिडेंशियल स्टेटस का बात सेक्शन कौन सा बोला गया बाबू, 6. आपसे पूछेगा रेसिडेंशियल स्टेटस कौन सा सेक्शन में डील होता है, तो सेक्शन 6. पसंद है ना. आज कितना तारीख है बताइए, 29 तारीख है. आप लोगों का रिजल्ट अब नेक्स्ट वीक में आ जाएगा, नेक्स्ट वीक तक हार्ट टू हार्ट आ जाएगा आप लोगों का रिजल्ट. नहीं वो तो बी ए बी एस सी का, कल सही बोला है लेकिन कल बी ए बी एस सी का, बीकॉम का नहीं. पहले बी ए बी एस सी का निकलता है, उसका किसका निकलता है बीकॉम का. तो कोई छाप नहीं है. क्या चीज, एग्जाम कब होगा. एग्जाम वही जुलाई का लास्ट में. हाँ नहीं बी ए बी एस सी पहले, हाँ पहले हुआ था. हाँ इस बार बहुत जल्दी एग्जाम हुआ था आप लोगों का, बहुत फास्ट एग्जाम हो गया था आप लोगों का. हाँ इस बार और फास्ट होगा. नहीं 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 देखिए, और सेम उनका एग्जाम 8 महीने से हो रहा है. देखिए रेडी, रेसिडेंशियल स्टेटस आप लोगों का भाई सेम वन में होगा ना, अभी जो फर्स्ट ईयर में होगा. वो लोग लास्ट ईयर एडमिशन लिया था, अभी तो फर्स्ट ईयर में ही है. अब कल वो लोग का लास्ट एग्जाम,
असल में दो साल से एक साल से बोले फर्स्ट सेमेस्टर में देखिए तो चलिए रेसिडेंशियल स्टेटस दो तरह का होता है, या तो आप रेसिडेंट होंगे या तो आप क्या होंगे नॉन रेसिडेंट, बोलो हाँ कि नहीं। रेसिडेंशियल स्टेटस में या तो आप रेसिडेंट होंगे या तो आप क्या होंगे नॉन रेसिडेंट, या तो आप क्या होंगे बोलो, या तो क्या होंगे बोलो नॉन रेसिडेंट। अब रेसिडेंट में भी दो कैटेगरी होता है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट, और एक होता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। देखिए क्लियर है गाइस, तो किस रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिया में कैसा होता है बताइए। रेसिडेंशियल स्टेटस अगर आप इंडिया में बात करोगे तो ये कैटेगरी होता है, या तो कोई आदमी रेसिडेंट होगा या तो कोई आदमी नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट में भी क्या है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, समझे ना। ये दो अलग अलग कैटेगरी बनाया गया, पहले इसको उतारिए फिर समझाते हैं। जैसे हमने लिखा वैसे उतारो, एकदम चार्ट के फॉर्म में उतारोगे। चले फीस ऐसी होगा, खाली सेमेस्टर चेंज हो जाएगा, अब फोटो चेंज कर दीजिए, कलर चेंज कर दीजिए बस। हो गया क्या, देखिए देखिए तो बॉयज एंड गर्ल्स यहां पर देखिए, अब यहां पर सीन क्या है बताइए। अब यहां पर एक एक करके देखिए, ये हो गया आपका रेसिडेंट। अब यहां पर सबके बारे में सबका अपना एक मीनिंग है कि रेसिडेंट कौन होगा, नॉन रेसिडेंट कौन होगा, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कौन होगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या होगा, बस समझे। तो सबका अपना अपना एक सीन है, बस समझे। तो वही अब एक एक करके सबके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चलो कॉपी मेडिक दीजिए, रेसिडेंट प्रेसिडेंट नहीं, रेसिडेंट हेडिंग दीजिए, रेसिडेंट दे दियो। चलो अच्छा, कोई भी आदमी को रेसिडेंट कब बोलेंगे, कोई भी आदमी को रेसिडेंट हम लोग कब बोलेंगे, तो कोई भी आदमी को रेसिडेंट हम लोग तब बोलेंगे जब वो आदमी हम लोग का कंट्री में लास्ट ईयर में, इसमें बहुत सारा कंडीशन बनाया गया है कि एक आदमी को रेसिडेंट बोलने के लिए क्या क्या कंडीशन है, व्हाट आर द कंडीशंस टू बी कॉल्ड। आपको क्वेश्चन में क्या करेगा, क्वेश्चन में आपको स्टोरी दे देगा, स्टोरी मतलब सीन दे देगा, और सीन में से आपको ये आइडेंटिफाई करना रहेगा कि वो आदमी रेसिडेंट है या फिर नहीं है। आपको क्या करेगा, एक स्टोरी दे देगा, स्टोरी में से आपको बताना रहेगा कि आदमी रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, मतलब क्या उसका रेसिडेंशियल स्टेटस है। आपको क्या करना पड़ेगा, केस स्टडी मतलब आंसर सॉल्व करके बताना रहेगा। तो बात का बात है, पहले हमको रूल तो पता रहना चाहिए कि कौन रेसिडेंट होगा कौन रेसिडेंट नहीं होगा।
तो आइए पहले रूल देख लेते हैं, उसके देखिए करके हम बात करते हैं। सबसे पहला क्या, रेसिडेंट किसको बोलते हैं, पहले समझेंगे फिर इंग्लिश बंगला हिंदी जैसा आपको कंफर्टेबल हो आप उसको लिख लेना। रेसिडेंट कौन, हु इज रेसिडेंट, रेसिडेंट काके बोला जाए, रेसिडेंट कौन होगा, किसको रेसिडेंट बोलेंगे किसको रेसिडेंट नहीं बोलेंगे, और अगर एक आदमी है तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस किन चीजों पे डिपेंड करता है, ये आपके लिए सबसे पहले जानना है। तो देखिए अभी आपको हम क्या बताए थे कि रेसिडेंशियल स्टेटस नॉर्मली दो कैटेगरी का होगा, एक कैटेगरी क्या होगा रेसिडेंट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, और दूसरा कैटेगरी क्या होगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। तो इसमें क्या किया गया ना, इनकम टैक्स की दुनिया में दो कंडीशन बनाया गया है, एक कंडीशन को बोलते हैं बेसिक कंडीशन और एक को बोलते हैं एडिशनल कंडीशन। तो पहला बेसिक कंडीशन क्या है और दूसरा है एडिशनल कंडीशन। तो एक आदमी को रेसिडेंट हम लोग कब बोलेंगे, तो उसके लिए कुछ बेसिक कंडीशन है। पहला बेसिक कंडीशन है कि अगर वो आदमी प्रीवियस ईयर में, ओ माय गॉड कौन से ईयर में, जिस ईयर का आप बात कर रहे हो उससे पिछला साल को टैक्स में प्रीवियस ईयर बोलते हैं। तो प्रीवियस ईयर में अगर वो आदमी 182 डेज और मोर, वैसे तो ये रूल चेंज हो गया है बट हम लोग कैलकटा यूनिवर्सिटी में अभी भी यही पढ़ते हैं, बात समझ रहे, जो प्रैक्टिकल बात है वही आपको बता रहे, 182 डेज और मोर, 182 डेज और मोर। अब जो आप लोग पढ़ रहे हो लास्ट पढ़ रहे हो ये सब सिलेबस, अब ये सिलेबस रिपीट नहीं होगा, आप जो पढ़ रहे हैं ना लास्ट पढ़ रहे हैं, अब इस सिलेबस को कोई नहीं पढ़ेगा। तो प्रीवियस ईयर 182 डेज और मोर, अगर कोई आदमी प्रीवियस ईयर में 182 दिन या फिर उससे ज्यादा रहता है, पहला कंडीशन बेसिक कंडीशन ये है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दिए तो आप रेसिडेंट हो, और अगर नहीं तो फिर हमारा एक कंडीशन बनाया गया और मतलब और एक ऑप्शन, और एक ऑप्शन क्या बनाया गया बताइए, अगर आप प्रीवियस ईयर में 60 डेज थे, 60 डेज और मोर, ये लैंग्वेज होता है टैक्स का, 60 डेज और मोर मतलब 60 दिन या उससे ज्यादा अगर आप इंडिया में थे, प्लस प्लस कितना दिन हो, प्लस 365 डेज और मोर, और मोर ड्यूरिंग 4 प्रीवियस ईयर, या तो ये कंडीशन या तो ये कंडीशन, ये दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करते हो तो इसको बोलते हैं बेसिक कंडीशन। कौन सा कंडीशन बोलते हैं वो, बेसिक कंडीशन। और इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन आप सेटिस्फाई करिएगा तो आप बन जाते हो रेसिडेंट, क्या बन जाते हो रेसिडेंट। तो नॉर्मली एक रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या कंडीशन है बोलो, ये बेसिक को बोलते हैं टैक्स में बेसिक कंडीशन। तो इफ यू फुलफिल दिस कंडीशन यू आर रेसिडेंट, इफ यू डोंट फुलफिल दीज कंडीशन यू आर नॉन रेसिडेंट। कोई दिक्कत बोलिए। इसके अलावा कुछ एडिशनल कंडीशन भी है जो आपको अभी लिखवाएंगे, एडिशनल कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई कर दिया तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा लेकिन एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट कौन हो गया, सिंपल हो तो पहले हो गया, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा वो कौन है, नॉन रेसिडेंट। कौन है बोलो, नॉन रेसिडेंट। तो कॉपी में लिखिए बेसिक कंडीशन, रेसिडेंट लिखे हो ना तो लिखिए, उसके अंदर लिखिए बेसिक कंडीशंस, लिखो ना प्लीज। बोले लिखिए ही इज इन इंडिया, अब लैंग्वेज में लिखवा रहे ही इज इन इंडिया, मतलब कोई भी आदमी, ही शी कोई भी आदमी, ही इज इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर, इन प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ, इन प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, 182 डेज और मोर, बस हो गया। अगर वो आदमी इंडिया में 182 दिन या फिर उससे ज्यादा था, ओके फाइन, क्या क्या इफ ही इज इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर फॉर पीरियड ऑफ 182 डेज और, हो गया। उसके बाद, उसके बाद लिखिए ऐसे जैसे हमने लिखा, और बीच में और दीजिए, और मतलब क्या, या तो ये या तो वो, या तो ये या तो वो, उससे लिखिए ही इज इन इंडिया इज इन इंडिया फॉर प्रीवियस ईयर, फॉर प्रीवियस ईयर 60 डेज और मोर, 60 डेज और मोर,
एंड थ्री सिक्सटी फाइव डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग फोर प्रीवियस ईयर 65 डेज और मोर ड्यूरिंग फोर प्रीवियस ईयर बिफोर प्रीवियस ईयर फोर प्रीवियस ईयर बिफोर प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर से पिछला चार साल वो कितना दिन रहना चाहिए बताइए 365 डेज प्रीवियस ईयर से पिछला चार साल पिछला चार साल पिछला चार साल ये था बेसिक कंडीशन. अच्छा इसका कुछ एक्सेप्शन है इस रूल का कुछ एक्सेप्शन है मतलब इसमें दो कंडीशन पड़ा है ना फर्स्ट वाला और दूसरा वाला तो याद रखिएगा यहां पर सेकंड वाला जो बात हमने आपको पढ़ाया सेकंड वाला जो कंडीशन पढ़ाया वो इरेलेवेंट हो जाता है इन फॉलोइंग केसेस. मतलब आपको कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जहां पे आपसे फर्स्ट वाला चेक होगा दूसरा वाला अप्लाई नहीं होगा. बार बार समझिए आपको हम ये बोले ना फर्स्ट या सेकंड दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई करेगा तो रेसिडेंट हो जाएगा. हम तो यही बोले आपको हम अभी भी वही बोल रहे लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसा बनाया गया इंडिया में जहां पे बोला सेकंड वाला चेक नहीं होगा ओनली फर्स्ट वाला विल अप्लाई. वो कंडीशन कौन कौन सा है. पहला कंडीशन है अगर कोई आदमी इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस. अगर तुम नौकरी करने के लिए इंडिया छोड़ के जा रहे हो लालची हो तुम तुम्हारे ऊपर दूसरा कंडीशन चेक नहीं करेंगे सिर्फ पहला कंडीशन चेक करेंगे कि वो 182 डेज इंडिया में था या नहीं था. अगर 182 डेज था तो वो रेसिडेंट है नहीं है तो वो रेसिडेंट नहीं है. मतलब सेकंड कंडीशन चेक करने का जरूरत नहीं है इफ पहला कंडीशन क्या है नौकरी करने के लिए अगर आप इंडिया छोड़ रहे हो रुको अभी हवाओ मत. दूसरा है देखिए फॉर शिप अगर कोई क्रू मेंबर है क्रू मेंबर समझते हैं क्रू ऑफ एन इंडियन शिप मतलब कोई जहाज में काम करता है समझे शिपिंग शिपिंग पर्पस के लिए कोई आदमी जहाज में काम करता है बंदा तो उसके केस में भी सेकंड वाला चेक नहीं हो तो कभी पानी में रहता है कभी जमीन पर रहता है. अच्छा तीसरा लास्ट कंडीशन बनाया गया है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन मतलब इंडिया का बंदा है इंडिया का बंदा है इंडियन सिटीजन कम्स ऑन विजिट इंडिया का आदमी इंडिया घूमने के लिए आ रहा मतलब है जैसे हम इंडियन है मेरा सिटीजनशिप इंडिया का है अब हम फॉरेन कंट्री में रहते हैं अब वहां से हम कभी कभी इंडिया घूमने के लिए आ रहे हैं तो मेरे लिए भी सेकंड कंडीशन अप्लाई नहीं होगा ओनली फर्स्ट कंडीशन टेस्ट करना होगा. मतलब ये तीन ऐसे एग्जांपल है जहां पर आप सेकंड कंडीशन देखोगे ही नहीं. क्वेश्चन में लिखा रहेगा ऐसा चीज सेकंड कंडीशन देखोगे ही नहीं सिर्फ कौन सा कंडीशन देखोगे फर्स्ट कौन सा कंडीशन देखोगे फर्स्ट बोलो ना. नॉर्मली दो कंडीशन बोले ना ये या फिर वो सेकंड वाला नहीं देखना है अगर कोई एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया छोड़ के जा रहा है अगर कोई क्रू का मेंबर है जहाज का मेंबर है तो. और तीसरा कंडीशन क्या है अगर इंडिया का बंदा बाहर का देश में जाता है और इंडिया आता है क्या करने के लिए घूमने के लिए. यस और नो गाइस उठा लीजिए इरेलीवेंट यहां पर लिख दे रही इरेलीवेंट सेकंड कंडीशन पढ़ने में सुविधा होगा सेकंड कंडीशन बेकार हो जाता है इस सिचुएशन से. ओके कंपनी से बात करके बताते हैं.
चले क्या आ जाओ। चले क्या रेडी आ जाओ। तो बॉयज एंड गर्ल्स अब चलते हैं आगे। तो कहां थे बताइए। तो ये था बेसिक कंडीशन। अभी आपको एडिशनल कंडीशन दो जो है एडिशनल कंडीशन बात को समझिए। अगर कोई बंदा बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन दोनों सेटिस्फाई करता है तो बंदा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बेसिक सेटिस्फाई करते हो लेकिन एडिशनल सेटिस्फाई नहीं करते तो यू आर जस्ट रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और अगर कोई बंदा बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो क्या हो गया नॉन रेसिडेंट। इतना ही कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद इसमें इसके ऊपर थोड़ा सा सम्स बनेगा। उसके बाद इसमें एक तो टैक्स इंपैक्ट वाला सम्स है कि मतलब रेसिडेंट कौन है, रेसिडेंट है तो टैक्स कौन सा लगेगा, नॉन रेसिडेंट टैक्स कौन सा लगेगा। बस ये अलग अलग पार्ट है। चलिए ये कौन सा कंडीशन हो गया वो बताइए। ये तो हम लोग का बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन हम लोग लिख लिए कि बेसिक कंडीशन क्या है, एडिशनल कंडीशन क्या है। अब इसके आगे का हम लोग चलते हैं। तो भाइयों बहनों एडिशनल कंडीशन में दो कंडीशन बनाया गया। कितना कंडीशन बनाया गया बोलिए दो। पहले तो आप हमको ये बताइए कि एक आदमी का रेसिडेंशियल स्टेटस कितना होगा। तो या तो वो रेसिडेंट होगा या तो क्या होगा बाबू नॉन रेसिडेंट। या तो क्या होगा, या तो क्या होगा नहीं रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। अच्छा रेसिडेंट अगर वो है तो उसमें भी कितना कैटेगरी है बताइए दो। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। दूसरा क्या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो हम लोग रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट कौन होगा, वो आदमी होगा जो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करे और एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई करे। और रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट कौन होगा, जो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करता है लेकिन एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। और नॉन रेसिडेंट कौन है, जो बेसिक ही काम कर, यस जो बेसिक ही फेल कर दिया वो बंदा क्या बताइए नॉन रेसिडेंट। रेडी गाइस। अच्छा चलिए बेसिक कंडीशन में एक टू कंडीशन था या दो कंडीशन था बताओ। बेसिक वाला में कितना कंडीशन था, दो था। तो उसमें सेकंड वाला कंडीशन कुछ केसेस में क्या रहता है बेकार। अगर कोई इंप्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया छोड़ के जा रहा है तो, अगर कोई जहाज का मेंबर है तो दीज आर द कंडीशन जहां पे वो कंडीशन क्या रहते बाबू बेकार। चलो रेडी आ जाओ। अब देखिए एडिशनल कंडीशन दोनों बताते आपको एक और दो। पहला एडिशनल कंडीशन है कि ही हैड बीन रेसिडेंट, ये रेसिडेंट इन टू आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर जस्ट बिफोर प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर से जो पिछला 10 साल है उसमें से कम 2 साल में वो क्या होना चाहिए रेसिडेंट। प्रीवियस ईयर से जस्ट बिफोर जो 10 साल है उसका में से कम 2 साल में वो क्या होना चाहिए रेसिडेंट। बोलो हाँ कि नहीं। और एक कंडीशन है it he has been in India for 730 days or more during 7 previous year before previous year। book mein likha rehta hai preceding previous year, hum before likh dete samajhne mein suvidha hoga। ye hai additional condition। agar ye dono additional condition aap satisfy kar dete ho to aap resident bhi ho aur ordinarily resident bhi ho। to do condition kya hai, pehla previous year se pichla 10 saal mein kam se kam 2 saal aap resident। दूसरा प्रीवियस ईयर से पिछला 7 साल में आप 730 दिन इंडिया में थे। यस और नो गाइस, अगर ये दोनों कंडीशन बेसिक के साथ ये दोनों फुलफिल कर दोगे तो आप रेसिडेंट बन जाओगे। बेसिक के साथ ये दोनों फुलफिल नहीं करोगे तो आप रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बेसिक के साथ दोनों में से कोई एक फुलफिल करोगे तो भी यू आर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और अगर बेसिक ही फेल करोगे तो यू आर नॉन रेसिडेंट। बोलिए हाँ कि नहीं। चलिए हम बोलते हैं, लिख दीजिए इसको अपना लैंग्वेज में लिख लीजिए तो हम तोड़ के लिखवाए हैं। बोले 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 क्या लिखिए। ही हैज बीन रेसिडेंट इन इंडिया, ही हैज बीन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 10 previous year out of
10, 2 out of 10 previous year, before relevant previous year, before relevant previous year, प्रीवियस ईयर से पिछला 10 साल में वो रेसिडेंट होना चाहिए। कहां का बाबू? इंडिया का। हो गया क्या? उसका दूसरा लिखिए पॉइंट नंबर 2। और नहीं है, एंड है, समझे बाबू? ये और नहीं, दोनों हैं। चलिए बोले, ही हैज बीन इन इंडिया, he has been in India, he has been in India for 730 days, for 730 days or more during seven years just before relevant previous year, हो गया, समझ गया ना? तो हम एक बार क्या रिकैप कर रहे हैं, बस इतना के बाद हम लोग सम्स बनाने के, अगले दिन सम्स बनाने के कंडीशन में आ गए। ये सब देखो, अब ये सब रूल क्या है, अगर हम लिख के दे देते हैं ना बुक में आपको, तो आप समझ नहीं, बात पढ़ा के समझा के लिखा दिया। अब हमसे पूछते, बताइए, हो गया रूल, ये सम्स बनाने के लिए इतना रूल, टैक्स थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल है, बिना थ्योरी का सम्स नहीं समझ आएगा। तो हम आपसे पूछते, बताइए, और रेसिडेंशियल स्टेटस कितने टाइप का होता है? दो, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। अच्छा, कोई भी आदमी जो बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहा है और एडिशनल कंडीशन दोनों फुलफिल कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। कोई आदमी जो बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहा है देन एडिशनल फुलफिल नहीं कर रहा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और कोई आदमी जो बेसिक कंडीशन ही फेल कर जा रहा है, नॉन रेसिडेंट। क्लियर है गाइस? थैंक यू सो मच।